प्रेरणा कथा। गलतियां तो होती हैं, कभी कभी जीवन में हम कौन जिम्मेदार है कौन दोषी है निर्धारित करने में ही बहुत सा समय व्यर्थ कर देते हैं। फिर चाहे वो संबंधों में हो, परिवार में हो या हमारे काम में। औरों की गलतियां निकालना मनुष्य के स्वभाव में ही होता है। गलतियां होने पर एक दूसरे को सहारा और समर्थन देना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ये छोटी सी कहानी शायद आपके दिमाग में कुछ प्रश्न उठा देगी। एक दंपत्ति के विवाहित जीवन के 11 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रार्थनाओं और उपचारों के बाद 12वें वर्ष में उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। दोनों उस बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे उन दोनों के प्यार की छाया में पलते हुए वो बच्चा 2 वर्ष का हो गया। एक दिन उस बच्चे की माँ रसोई में खाना पका रही थी। उसके पति अभी काम से वापस नहीं आए थे। वो बच्चा एक कमरे में खेल रहा था। उस बच्चे ने अचानक एक खुली हुई शीशी देखी। उस शीशी में उसकी माँ की एक दवाई थी। उस शीशी को बच्चों की पहुंच से दूर रखने के निर्देश उस शीशी पर लिखे हुए थे। उस दिन माँ जल्दी जल्दी में उस शीशी का ढक्कन लगाना भूल गई। 2 वर्ष का वो बच्चा उस खुली हुई शीशी की तरफ आकर्षित हुआ। उसने शीशी की दवाई पी ली। इतने छोटे बच्चे के लिए उस दवाई ने जहर का काम किया। जब माँ रसोई से बाहर आई, उसने बच्चे को जमीन पर सोते हुए देखा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। माँ तुरंत अपने बेटे को लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किए, परंतु वो उस बच्चे को बचा नहीं सके। माँ को तो जैसे पक्षाघात हो गया। वो नहीं जानती थी कि वो अपने पति का सामना कैसे करेगी। कुछ देर में उसके पति भी अस्पताल पहुंच गए। पति को बच्चे की मृत्यु का समाचार मिल चुका था। जब उसने अपनी पत्नी को देखा, पति ने सिर्फ 4 शब्द बोले। पत्नी उसके सीने से लगकर रोने लगी। आप सोच रहे होंगे कि पति गुस्सा क्यों नहीं हुआ, या वो 4 शब्द क्या थे? क्या पति को बच्चे की मृत्यु का दुख नहीं हुआ? ऐसे ही कई प्रश्न उठना संभव है। पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इतना ही कहा था, आई लव यू डार्लिंग। पति के इस व्यवहार से आप भी हैरान हुए होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति अपनी पत्नी को गुस्सा करता, गालियां देता या थप्पड़ भी लगा देता। परंतु वह पति मानवीय संबंधों को बहुत अच्छे से समझता था। बच्चा तो मर गया था, उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता। अब माँ की गलतियां निकालने से क्या फायदा था? माँ ने भी तो अपना बेटा खोया था। उस स्थिति में माँ को सहारे और सांत्वना की जरूरत थी। उसके पति ने पत्नी की स्थिति को समझा और उसको सहारा दिया। यदि हर व्यक्ति जीवन को इस तरह से देख सके तो जीवन में बहुत कम समस्याएं होती। पुरुष या पति के साथ खुश रहने के लिए चाहे पत्नी उस पति को कम प्यार करे, पति को समझना बहुत जरूरी होता है। परंतु पत्नी के साथ खुश रहने के लिए उसको समझना तो जरूरी होता है, उसको अपने दिल से प्यार करना और भी जरूरी होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे खुशहाल दंपति हैं जो हर हाल में एक दूसरे के साथ प्रसन्न ही रहते हैं। ये ठीक है कि प्रेम का अपना कारण मौसम और समय होता है, और आप प्रेम को हमेशा ही रहने के लिए नहीं कह सकते। परंतु जब तक प्रेम पास में हो, उसको गले से लगा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। प्रेम को गले लगाइए और औरों की गलतियां खोजना बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी कथाओं को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।